हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सूजी का लड्डू बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने आधी कटोरी घी लिया है, देसी घी हमारा है। इसमें हम एक कटोरी सूजी लिए हैं, इसको डाल दे रहे हैं। इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे धीमी आंच में। ये सूजी का हमारा कलर चेंज हो गया है, धीमी आंच में इसको हम भूंजे तो ब्राउन हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हम आधी कटोरी इसमें चीनी डाल रहे हैं, आधी कटोरी हम दूध ले रहे हैं और आधी कटोरी पानी, दोनों बराबर से ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा गाढ़ा ना हो जाए। हम इसको इस तरह पका रहे हैं तेज आंच में, ये हमारा गाढ़ा हो जाए, चाशनी जैसे बन जाए, तब हम इसमें सूजी मिलाएंगे। ये हमारा गाढ़ा हो गया है, देख लीजिए चाशनी जैसे बन गया है, हल्का हल्का चिपकने लगा है। अब इसको हम गैस ऑन कर देते हैं। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। इसमें हम इलायची कूटे हुए हैं 5-6, उसको डाल रहे हैं। और ये हमारा ड्राई फ्रूट है, तो हम किशमिश, बादाम और मूंगफली, काजू लिए हैं। ये हम मिला दिए हैं, तो अभी गर्म है, इसको ठंडा हो जाए तो हम लड्डू बनाते हैं। ये देख, ये हम इस तरीके से लड्डू बना ले रहे हैं। ये देख लीजिए कितना आराम से बन रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट आता है। हम सारे लड्डू इसी तरीके से बना के रख ले रहे हैं प्लेट में। ये हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है, देख लीजिए आप लोग कितना स्वादिष्ट बना होगा। और बनाते बनाते तो बच्चे और खा गए हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट था। और आप लोग का अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।